26 जुलाई यही वो तारीख है जब भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यही वो तारीख है जिसे भारत अपनी विजय और पाकिस्तान अपनी पराजय के लिए कभी भूल नहीं पाएगा। वर्ष 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत विजय हुआ था और इसलिए हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। करगिल की लड़ाई 60 दिनों से भी ज्यादा समय तक चली थी और इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। भारतीय सीमा में करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करके 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन सैनिक बेफिक्र थे, लेकिन भारतीय जवानों के जोश, जुनून, पराक्रम और देशभक्ति के आगे ना तो 16,000 फीट ऊंची पहाड़ियां टिकी और ना ही -10 डिग्री का तापमान। 2 महीने से ज्यादा चली जंग के बाद 26 जुलाई 1999 को उन्हीं पहाड़ियों पर तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे और तब से इस दिन को विजय दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। देश आज 24वां करगिल विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। शहीदों के सम्मान में लद्दाख के द्रास में 4 MiG-29 विमानों ने करगिल युद्ध स्मारक से उड़ान भरी और इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे। रक्षा मंत्री ने द्रास पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने करगिल युद्ध में शहीद जवानों के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह और शॉल सौंपे। रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल में शहीद जवानों के शौर्य और पराक्रम को देश हमेशा याद रखेगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। करगिल दिवस महज एक दिन नहीं है बल्कि इस देश में सैनिक शौर्य का ये उत्सव है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि हम शांति प्रिय हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारा कमिटमेंट भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम LOC पार नहीं कर सकते, अगर जरूरत पड़ी तो हम LOC भी पार कर सकते हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। पूरा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है और करगिल युद्ध में भारत के वीर सैनिकों ने साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश की। भारतीय वीरों ने अपने बलिदान और शौर्य से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। देश की आन बान और शान के लिए भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। आज पूरा देश उन वीर जवानों को याद कर रहा है। गाड़ी में थोड़ी देर से उतरेगा।
दोनों आउटपुट दिए हुए हैं। बहुत ही ख़राब था क्योंकि हम वैसे भी बहुत छोटे थे तो इतना समझ में भी नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब जैसे बड़े हुए हैं तो पता लगता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी थी देश के लिए और लोग हमें उनकी वजह से आज याद करते हैं। मैं तमाम फौजी रैंक्स और हम सभी नागरिकों की तरफ से उन अमर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल के दुर्गम पहाड़ियों पर अपनी जान न्यौछावर करके हमारे देश के लिए एक स्वर्णिम विजय हासिल की। विश्व के इतिहास में ऐसी दुर्गम ऊंचाइयों पर युद्ध नहीं लड़े गए और ना हमने वो युद्ध लड़े बल्कि जीत कर देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। कारगिल शहीद अमर है, अमर है। 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 बहुत ज़्यादा गर्व है जी अपने पिताजी के ऊपर, पूरे गांव को गर्व है, बल्कि पूरे देश को ही गर्व है उनके ऊपर। तो मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है कि मेरे बड़ा भाई कारगिल में शहीद हुए हैं और मैं उन जो कारगिल में शहीद हुए उनको भी मैं नमन करता हूं, जो मेरे भाई के साथ जो थे उनको भी मैं नमन करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के रूप में करगिल में घुसपैठ कर दी थी। पाकिस्तानी सैनिक करगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को अपने नियंत्रण में वो लेना चाहते थे। ये हाईवे एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है। उस समय अगर ऐसा हो जाता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक कोई भी सप्लाई नहीं पहुँच पाती और ये इलाका पूरी तरह से देश से कट जाता। लेकिन करीब 2 महीने की लड़ाई और 537 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने अपना इलाका पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा लिया और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से ये लड़ाई जीत ली। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने करगिल युद्ध जीतने का औपचारिक ऐलान किया था और इसलिए इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। करगिल विजय दिवस भारतीय सेना के साहस, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक है। यह दिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के जश्न का दिन। करगिल युद्ध में शहीद हुए भारत माँ के उन वीर सपूतों की बहादुरी और बलिदान को हम भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जमीन की अस्मत बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। वैसे कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के पराक्रम की गौरव गाथा है और इसी याद में बनाई गई है हट ऑफ रिमेम्बरेंस, जहां भारतीय सैनिकों की बहादुरी की तमाम निशानियां मौजूद हैं और इस गैलरी में भारतीय सूरवीरों की तस्वीरें, दुश्मन सेना पर बमबारी करते हेलीकॉप्टरों और मिराज 2000 विमानों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। और सबसे बड़ी बात, करगिल में भारतीय सेना से हारने के बाद भागते समय पाक सेना द्वारा छोड़े गए हथियार, गोला बारूद, पाकिस्तानी झंडे, पाकिस्तानी मुद्रा को भी पहली बार इस हॉल में प्रदर्शित किया गया। हर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की यह खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल साथ में एक हट ऑफ रिमेम्बरेंस बनाई गई है जहां कारगिल युद्ध की सारी कथा जो है यहां दर्शाई गई है और उन वीर जवानों ने कैसे इन चोटियों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से
वापस लिया, वो सब कहानी यहाँ पर इस म्यूजियम में दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कैसे तिरंगा लिए हुए चोटी जब फतह की जाट्स ने, उन्होंने कैसे ट्राई कलर वहाँ पर लहराया। ये तस्वीर है उस वक्त की जब फतेह किया गया था टोलोलिंग। और बैटल ऑफ टोलोलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो बैटल हुआ था वो टोलोलिंग पे हुआ था, क्योंकि इसके साथ गन हिल था। ये काफ़ी बड़ा रिज था और करीबन 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ से जो है भारतीय सेना ने वॉर शुरू किया था और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बाकी रिज जो बाकी चोटियाँ थी जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जे में ली थी उनको फतेह किया। और ये सब यहाँ पर जो लगाए गए हैं चित्र, ये उस वक्त के उस पूरी कथा को दर्शाता है। आप देखिए कैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे रॉकी नॉप, इंडिया गेट, टाइगर हिल, ये सारे पीक्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर वॉर मेमोरियल पे बैटल ऑफ टाइगर हिल, टाइगर हिल पर जो 2 जुलाई से 11 जुलाई तक जो युद्ध चला था वो कैसे हुआ, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ न सिर्फ वो आर्म्स एमिनेशन रखे गए हैं बल्कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनकी तस्वीरें भी है। जो तस्वीरें उस वक्त खींची गई थी जब वो आर्म्स एंड एमिनेशन को कैप्चर किया गया था वो भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AK-47 है, AK-47 राइफल, मैगजीन्स, G3 राइफल, उसके राउंड्स और 12.7 mm राउंड्स है यहाँ पे, जो मशीन गन है यूनिवर्सल मशीन गन है। इसके अलावा मैगजीन्स हैं, G3 राइफल्स 2 है यहाँ पर। और साथ में अगर हम बात करें तो माइन कैरिंग केसेस हैं, क्लेमोर माइन है, 12.7 mm रेगिंग मशीन गन है, और इग्निटर है, रेडियो सेट आईकॉम है, और ये जो मोटार शेल्स है 122 mm मोटार बम जो उन्होंने उस वक्त दागे थे वो यहाँ पर कैप्चर किए गए हैं। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो करेंसी उस वक्त पाकिस्तान की यहाँ पर पाई गई थी, या फिर जो आई कार्ड्स थे जो उनके पास से मिले थे, जिससे ये पता चला था कि वो मिलिटेंट्स नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी के लोग थे जिन्होंने अवैध कब्ज़ा किया था। और इस तरफ ये उस वक्त के जो योद्धा हैं भारतीय सेना के, वो दिखाते हुए कि क्या क्या उन्होंने पाकिस्तान के उन सैनिकों से कैप्चर किया। और ये देखिए ये प्रिजनर ऑफ वॉर नायक इनायत अली और दूसरे शख्स को जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था, उस वक्त कैप्चर किया गया था भारतीय सेना की तरफ से, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और लोग जब इसको देखते हैं तो उनको गर्व महसूस होता है कि कैसे जो है कारगिल युद्ध में न सिर्फ उन्होंने भारतीय सेना ने फतह हासिल की, इन कठिन चोटियों को जो है रिकैप्चर किया, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना की तरफ जो लोग लड़ रहे थे, जो पाकिस्तानी सैनिक थे कारगिल युद्ध में, उनके पास जो हथियार थे, गोला बारूद था, वो जो है वो भी कैप्चर किया गया है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है कारगिल युद्ध में जो भारतीय सेना की मिसालन हुई एक जीत है, जो अद्भुत जीत थी, उसको दर्शाता है। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कारगिल वॉर मेमोरियल, द्रास। कारगिल युद्ध को 24 वर्ष बीत गए लेकिन पाकिस्तान की धोखेबाजी का जख्म आज भी ताजा है, इसलिए भारत ने अब अपनी रणनीति भी बदली है। कारगिल युद्ध ने ना सिर्फ भारत की रणनीति बदली बल्कि इस युद्ध से हमारे देश ने काफी कुछ सीखा भी है। पहली बात तो यही सीखी कि अमेरिका पर भारत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता है। और युद्ध के दौरान भारत उस वक्त चाहता था कि अमेरिका अपने सैटेलाइट्स की मदद से भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की सही जानकारी उपलब्ध कराए, लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया। और तब भारतीय सेना के लिए करगिल की चोटियों तक पहुंचना ठीक वैसे ही था जैसे किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हो और उसे खाई पार करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए कह दिया जाए। और हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम से ये काम भी बखूबी करके दिखाया। भारत ने इससे यह भी सीखा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई भी हो लेकिन पाकिस्तान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल वहां के सेना प्रमुख के पास ही होता है। जब करगिल युद्ध हुआ तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो युद्ध के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। करगिल युद्ध से भारत ने यह भी सीखा कि पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि युद्ध से कुछ महीने पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने मंत्रियों के साथ बस से दिल्ली से लाहौर गए थे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। लेकिन जैसे ही वाजपेयी भारत लौटे, उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने करगिल में भारतीय चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया। करगिल युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि देश में CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, जो तीनों सेनाओं के बीच एक कड़ी का काम करे। हालांकि CDS की नियुक्ति में 20 वर्ष लग गए और वर्ष 2019 में जनरल विपिन रावत को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया। हालांकि वर्ष 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के निधन के बाद वर्ष 2022 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। करगिल युद्ध में चीन की भूमिका भी अहम थी। चीन और पाकिस्तान भले ही हमेशा से एक टीम की तरह रहे हों, लेकिन करगिल युद्ध के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। यही नहीं, युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ चीन गए हुए थे और वहां से उन्होंने अपनी सेना से बात की थी, तो ये कॉल रिकॉर्ड हो गई थी और बाद में इस रिकॉर्डिंग को भारत सरकार ने चलाकर यह साबित कर दिया कि करगिल में छिपकर बैठे सैनिक पाकिस्तान के ही है। करगिल युद्ध के दौरान ही भारत इजराइल के बीच दोस्ती की नई पारी भी शुरू हुई। युद्ध के दौरान जब अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने भारत को सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया था, तब इजराइल ने बेहद कम समय में भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल और दूसरे हथियार दिए थे। करगिल युद्ध के अगले ही वर्ष भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी इजराइल गए थे और तब से लेकर आज तक दोनों के बीच कई रक्षा समझौते हुए। इस दौरान दोनों देशों के बीच जो भरोसा कायम हुआ, वो भरोसा आज भी कायम है। Z News.